मैं डॉक्टर केतन शाह, एमडी होम्योपैथ, आज आपको बताने जा रहा हूं कि होम्योपैथिक दवाइयां से कैसे खांसी में छुटकारा पाया जाए। हमने देखा है ज्यादातर खांसी हम लेटते ही अपना सिर तकिए को छूता है, पिलो को छूता है, तभी खांसी शुरू हो जाती है और हमें सोने नहीं देती है, मरीज को बैठ जाना पड़ता है। तब ड्रोसेरा 200 पावर की दवाई के कुछ डोज लेते ही उसमें आराम मिलता है। जो काली खांसी है, वोपिंग कफ जिसको बोलते हैं, उसमें एड्रोसेरा नाम की दवाई काफी उपयोगी साबित हुई है। दूसरी दवाई है रूमेक्स 30 पोटेंसी की। ये दवाई हमें ठंड की मौसम में ठंडी हवा की वजह से जो खांसी होती है, तब ये रूमेक्स नाम की दवाई भी काफी उपयोगी साबित हुई है। एक और दवाई है स्पोंजिया। हम अभी क्रिसमस की या और कोई फेस्टिवल में हम केक वगैरह ज्यादा खाते हैं, न्यू ईयर वगैरह में, या बच्चे जब चॉकलेट्स खाते हैं, या काफी जिसको स्वीट का शौक है, और स्वीट्स खाने से जो खांसी होती है, गले में कुछ इरिटेशन होता है और उससे खांसी बनती है, तब स्पोंजिया नाम की दवाई बहुत उपयोगी साबित हुई है। हम रात को सो जाते हैं तब बलगम जम जाता है, चेस्ट में कंजेशन बोलते हैं, हम ब्रीदिंग करते हैं तो पूरे रूम में ब्रीदिंग की आवाज आती है, तो ये रैटलिंग साउंड ऑफ कफ, उसके लिए एंटम टाट नाम की दवाई काफी अक्सर है। मैंने मेरी प्रैक्टिस में ये सारी दवाइयां से काफी अच्छे रिजल्ट पाए हैं। मैं भी चाहता हूं आप ये दवाई का उपयोग करें और होम्योपैथी से खांसी से छुटकारा पाइए। अगर कोई बच्चा या बड़ा बार बार खांसी से परेशान होता हो तो ट्यूबरक्लिनम नाम का नोजोल, ट्यूबरक्लिनम 1 ml, कुछ एक डोज महीने में एक बार लेने से भी उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है, रेजिस्टेंस पावर डेवलप होता है, और जो बार बार खांसी होती है उससे छुटकारा पाया जाता है। धन्यवाद। बी हैप्पी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।